कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुमसा, फहीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा, हकीम तुमसा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस प्रोग्राम्स ने जो आपको इनामात दिए गए सभी बच्चों को, जैसे टॉप करने वाले को सिलाई मशीन दी गई, और दूसरे ग्रुप में टॉप करने वाला एक लड़का था उसे साइकिल दी गई। साइकिल हासिल किया जिस बच्चे ने खाड़ी पार का, और खाड़ी पार से दूर किसी एक स्कूल में उसको पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो ये एक कीमती चीज़ें होती हैं जो 1000-2000 में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेन दिया जाए, फोल्डर दे दिया जाए, कुछ ऐसी बातें, और बहुत सारे बच्चों को जमा किया जाए, उनका टाइम, एनर्जी, पैसे, आना जाना, ये सब। तो यहाँ से एक अच्छा, इसी तरीके से सिलाई मशीन दी गई उस घर में, इंशाल्लाह एक फैमिली की कफालत एक मशीन कर सकती है। अगर आपको सिलना आता है, आसपास के बहुत सारे कपड़े खवातीन खवातीन से सिलाना पसंद करती हैं, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं, तो अगर आसपास में ये सिलाई सीख ली गई वो बेटी ने, उस घर के और लोगों ने, तो इस घर के मसाले किसी हद तक या कुछ हद तक हल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ उनमें जो हमने इनामात दिए थे, पंखे कितने ज़रूरी हैं, हम ये देख रहे हैं बगैर पंखों के बैठना मुश्किल हो जाएगा, कितनी गर्मी झेलनी पड़ेगी। और मिक्सर, वो हमें, हम लोगों से ज़्यादा आपको मालूम है, घर के काम में आप हाथ बटाती हैं अम्मी का, क्या क्या करती हैं, झाड़ू पोछा, कपड़ा मसाला है, बर्तन मांजना है, किचन की जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं, और आपको सीखना भी है उसमें, आपको इंटरेस्ट लेकर के काफ़ी हद तक अपने आप को एक्टिव बनाना है, वो आपकी सेहत के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आगे की आपकी जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उमूर खानदारी, आप किस एजुकेशन के साथ साथ आपके घरेलू मामलात मालूम होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, बड़ों से कैसी बात करनी है, छोटों से कैसे मिलना है, रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट और उनका एहतराम किस तरह से करना है, फिर अपने आप को अगर किसी कम्युनिटी, किसी फैमिली में एडजस्ट करना है, वो हुनर भी आपने आना चाहिए। आप अभी से ये सोच पैदा करें कि आप अगर अभी एक गमले के एक नाजुक पौधे में खिली हुई एक कली हैं, तो कल अगर अर्ज़-ए-संगलाख की उन फुरखार वादियों में आपको अपना मकाम पैदा करना है, तो उसका हुनर भी आज आपने अपने असातिज़ा से सीखना होगा कि वहाँ पर भी आप अपना मकाम पैदा करें। आज जो कुछ आप सीख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो असातिज़ा से आपने अपनी लाइफ के बारे में सीखा है, वो हर मजलिस में, हर महफिल में और किसी भी मकाम पर अपने आप को सुरक्षित और महफूज, और आपका नाम रोशन करने के लिए ये वक्त ही है जो कारामत बनाना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज शहर में, इस तरह प्रोग्राम्स का हमारा मकसद ही मैंने यही होता है कि हमारे तलबा के अंदर जो ख्वाबीदा और पोशीदा सलाहियतें हैं वो उजागर हों, वो चाहे आपके तरन्नुम के ज़रिए से हो, या तकरीरी मुकाबला किया जाता है तो आपकी तकरीरी सलाहियत हो, तहरीरी मुकाबला भी हम करते हैं तो आपके तहरीरी सलाहियतें भी सामने आती हैं, तो हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। आपके जो आम तौर से, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि म्यूनसिपल स्कूलों को लेकर के एक सोच ये पाई जाती है कि बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, असातिज़ा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर हमने देखा कि जहां तकरीबन 30-32 स्कूलों के 76 बच्चों ने शिरकत की थी, और एक म्यूनसिपल स्कूल की 7वीं क्लास की एक तालिबा ने उन 76 में से, जो एक फैकल्टीज के तकरीबन 38 बच्चे थे, उसमें से टॉप करते हुए अपना लोहा मनवाया। ये म्यूनिसिपल स्कूल है, इन्हें बदनाम न किया जाए, इनके असातिज़ा जितना एजुकेटेड, जितना ट्रेंड होते हैं और आपके ऊपर जितने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मैं करीब हूँ, तो मैं कोई एक दूसरे के ऊपर नाम देना या किसी को ऊंच नीच दिखाना मकसद नहीं, लेकिन जो टैलेंट, जो मेहनत म्यूनसिपल असातिज़ा में है, वो बच्चों की ज़िंदगी को हमा जहत शख्सियत बनाने के लिए काफ़ी है।
और ये साबित किया आपने, तो आइंदा भी प्यारे बच्चों आप अपने आप को मुकाबला जाति प्रोग्राम के लिए तैयार रखें, घर के अंदर भी स्टडी करें, असातिज़ा से भी आप सीखें। आज का ये दौर है कि आप व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं, तो अपना वक्त वाही तबाही में सीरियल प्रोग्राम्स में ज़ाय किए बगैर आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें से क्या खूबियां चुन सकते हैं, उन चीज़ों को लें आप। वालिदैन की खिदमत, फरमा बरदारी, असातिज़ा का एहतराम, बड़ों की तज़ीम, छोटों पर शफ़क़त, ये हमारी ज़िंदगी के मासल हैं। और हमने अभी ये बात की कि अल्लाह की कामयाबी, अल्लाह तबारक व तआला खुद कहते हैं माँ बाप अगर राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, माँ बाप नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़। और हमारी कामयाबी किसके हाथ से मिलती है? अल्लाह के ज़रिए से मिलती है। अल्लाह ना चाहे तो कोई कामयाब कर सकता है? और अल्लाह कब चाहेंगे? जब माँ बाप राज़ी होंगे। तो हमें अगर अल्लाह से राज़ी करके अपना कोई मकसद पूरा करना है तो माँ बाप को राज़ी करना है, खुश रखना है हर हाल में, कभी उफ़ नहीं करना। कुरान के अल्फाज अभी मैडम बता रहे थे और कुरान में कहा गया फ़ला तकुल्लुमा उफ़, वला तनहरुमा, उन्हें कभी झिड़को मत, वकुल्लुमा कौलन करीमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कहा है। कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने हमें और आपको तालीम दी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यह मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर रहम कर जैसा कि इन्होंने मेरे बचपन पर जब मैं छोटा था मुझ पर रहम किया। हमें नहीं पता छोटी हालत में हम किस हालात से गुजरे हैं, है ना, कितने ठंडी कड़ाके की सर्दियों में हमने माँ बाप को गीला किया है। हमारे माँ बाप ने न जाने कितने जगहों पर रुसवाई और शर्मिंदगी को छुपा करके हमारे लिए खाने पीने जूते मोजे यूनिफॉर्म का इंतज़ाम किया है। न जाने कितने वाक़े ऐसे मकाम आए कि ईद बकरीद में हमारे लिए जोड़ों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, वालिदैन ने अपनी ख्वाहिशात को दबाया, कर्ज लेकर के आपके नए जूते जहे मोजे और नए कपड़े सिलवाए हैं, वो आपको एहसास होने नहीं दिया है। तो प्यारे बच्चों, खुदारा कभी भी वालिदैन के इन जज्बात को, इन खूबियों को आपके तहत जो उनके दिलों में इशार हमदर्दी और कुर्बानी का जज्बा है, उसे हम आज नहीं समझ पाते हैं। जब हम उस मकाम को पहुँचेंगे कि हम माँ और बाप होंगे, फिर बच्चों की कुर्बानियाँ और उनके इशार हमदर्दी क्या होती है वो हमें समझ में आएगी। तो आज हम इस बात का आहद करें कि कभी भी माँ बाप को उफ़ नहीं कहेंगे, उनको सताएंगे नहीं और उनकी हैसियत से बढ़कर कोई बेजा मुतालबा नहीं करेंगे, उनको नाराज़ नहीं होने देंगे। हम में से कितने बच्चे हैं जो गैर ज़रूरी मुतालबात को लेकर के माँ को अश्कबार कर देते हैं, आपके सामने माएँ नहीं रोती हैं, तन्हाई में छुप करके जब आप दूर होते कि मेरी बेटी को पता भी ना चले कि मैं रो रही हूँ, लेकिन आपके मुतालबात ने, आपकी किसी हरकत ने, आपके किसी नाजेबा हरकत ने वालिदैन का दिल तोड़ दिया है। आज जब आपका सर और निगाहें झुकी हैं तो माँ बाप का फख्र से सर बुलंद होता है। खुदा न खास्ता अगर आपकी निगाहें भटक गईं और आपके गैर मुनासिब जगहों पे सर उठ गए तो माँ बाप का सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। कभी ऐसा मौका आप न आने दें अपनी लाइफ में कि आपके वालिदैन को आपकी वजह से, जिन्होंने हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और उन्हें मुँह छुपाकर लोगों के सामने गुजरना पड़े। तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं, इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे, आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। हमारे बीच में खान फख्र आलम साहब जो ऐसे प्रोग्राम्स के अहम जिम्मेदार, सारी जिम्मेदारियां और ये सारे जो इंतजामात अखराजात वो वही पूरा करते हैं वो अपने मुरासिम से, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि पूरे शहर में इस तरह के एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पर करना और म्यूनसिपल स्कूल के इन बच्चों तक पहुँचना और इनकी सलाहियतों को निखारना और ऐसा स्टेज फराहम करना, यकीनन ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला और उनके हौसलों को बुलंद करे कि ऐसे प्रोग्राम्स कर पाएँ। और मुझे खुशी होती है, मैं आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ, और अभी मैं वही बात शेयर कर रहा था कि प्यारे बच्चों, आपकी स्कूल की एक बच्ची का नाम जब फर्स्ट ऐलान के लिए पुकारा गया, हम नहीं जानते तो बच्ची कौन है, कहाँ की है, कौन सी क्लास की है, और उस वक्त मैडम वहाँ बैठी थी, उनको भी हम नहीं जानते थे मैडम कौन है क्या है, एक उस्ताद थे उनको तो समझ में आ रहा शायद ये टीचर हैं, लेकिन जब बच्ची का नाम पुकारा गया अचानक मैंने देखा कि एक खातून खड़े हो गए, ताली पीटने लगे। मुझे लगा ये कौन, क्या मालूम पड़ा कि उस बच्ची के उस्ताद हैं जो खुशी मना रहे हैं, कि खुशी में झूम पड़े, वो मैडम थी। फिर मैंने पहचाना कि उस बच्ची की वो टीचर हैं और उन्होंने तैयारी कराई है। कितना हौसला, कितना खुशी मिलती है उस एक पल में, कई गुना प्रोटीन और कई गुना उस वक्त ताकत मिल जाती है आपके टीचर को, आपकी वजह से आपके वालिदैन को फख्र होता है, हौसला मिलता है, सेहत मिलती है, उनके सेहत में टॉनिक की काम करती है बातें। तो मैं चाहूँगा कि जिस नाते पाक के पढ़ने पर हमारे
जजेस ने उस दिन अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया था इस अफसा नामी बच्ची को, तो एक बार हम उनसे वो नात पाक सुनना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम अफसा शमीम अख्तर खान है। मेरी स्कूल का नाम BNCMC स्कूल नंबर 34। मैं 7th B क्लास में पढ़ती हूँ। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुम सा। हजारों ढूंढा तमाम देखा किसी ने, लेकिन कहीं न पाया हसीन तुम सा, अमीन तुम सा, जमील तुम सा, वसीम तुम सा। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुम सा। दयार लोहा कलम से अब तक मसम खुदा की कोई न आया, अदीब तुम सा, मुजीब तुम सा, खतीब तुम सा, कलीम तुम सा। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुम सा। पलक की गर्दिश से क्यों डरे वो, कि जिसने देखा हो जिंदगी में, अमीक तुम सा, शफीक तुम सा, अतीक तुम सा, करीम तुम सा। जहाँ में कितने रसूल आए, ना आया कोई अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, अलीम तुम सा, नईम तुम सा, हकीम तुम सा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस में तो मैंने सदा कर दी, सदा करना थी मेरे बस में तो मैंने सदा कर दी, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगी, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगी, सखी जाने गदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा
बहुत शुक्रिया असद भाई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जब मैं पढ़ता था यानी 74, 75, 76, 77 उस पीरियड की बात है, तब तो स्कूल के बच्चों को कोई पूछता ही नहीं था। तुम्हारी जो भी एक्टिविटी है पहले आज जितनी है पहले उतनी होती भी नहीं थी। अगर कभी कोई मेहमान आ गया तो बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा है, मगर वक्त बदला है, हालात बदले हैं, लोगों की सोच भी बदली है। तो बहुत सारे प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम जो हमारी टीम है 97 से हम कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि अभी से। उसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं हमारे, ड्रामे के, मुशायरे के, कुछ अदर सिंगिंग प्रोग्राम, नाच के प्रोग्राम। मीनाताई ठाकरेयाल में हमारा एक हुआ था, उसके बाद हाल बंद हुआ है। उसके बाद 2023 में हमने छः नाच के प्रोग्राम किए हैं। 6 नातिया मुकाबले में 9 सिलाई मशीन दी गई है, और 7वां हमारा अजान कंपटीशन का प्रोग्राम था, उसमें एक साइकिल। तो इस तरह से हमारा मीनाताई ठाकरे हाल का लेकर ये 9वां नातिया मुकाबला था, और 9 नातिया मुकाबले में हमने 10 सिलाई मशीन और 11 सिलाई मशीन 11 साइकिल 2023 से अब तक दिया है। ये सामान देने का मकसद नहीं है हमारा, हमारे और भी जो प्रोग्राम होते हैं। आज भी रात में मुशायरा है, वो तैयारी चल रही है और थोड़ी देर में हमको वहाँ पहुँचना है, और कल रईस भाई वाले प्रोग्राम में भी शामिल हैं। तो इंशाल्लाह परसों आप लोगों का फ्रेम यहाँ पहुँच जाएगा। तो असल मकसद हमारा ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली है, इनकी जो सलाहियतें हैं किसी न किसी बहाने स्टेज पर लाकर उसको और मजबूत किया जाए। आने वाला दौर कंपटीशन का दौर है, बच्चे हमारे स्टेज पर खड़े हो सके ये बड़ी बात होनी चाहिए। मशीन मिलना, साइकिल मिलना या दूसरे इनामात मिलना, वो एक हौसला अफजाई के ताल्लुक से हम करते हैं। तो अब मैं हमारे आज के मुअज्जज़ मेहमान मोहतरम असद कासमी साहब, मोहतरम फ़ख्र आलम भाई, जो आज हमारी स्कूल झंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 34 में तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चियों की हौसला अफजाई फरमाई, और उन्होंने जो तवक्कुआत और जो उम्मीदें आपसे लगाई है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी स्कूल की बच्चियाँ उन उम्मीदों पर पूरी तरह उतरने की कोशिश करेंगी। और आज जो प्यारी प्यारी नसीहतें उन्होंने की है, ख़ासतौर से माँ बाप के ताल्लुक से, उनका एहतराम के ताल्लुक से, उस बातों पर भी पूरी तरह अमल करेंगी, और आगे जिस इस तरह के जो भी प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ना इंशाअल्लाह। आखिर में मैं हमारे मुअज्जज़ मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी बच्चियों की हौसला अफजाई फरमाई, और इंशाअल्लाह आगे जब भी वो इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो हमारी स्कूल की बच्चियाँ इसमें नुमाइंदगी करेंगी, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज